अच्छा, IRC की बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रही हैं टू सपोर्ट द गवर्नमेंट इन बैटलिंग द पेंडेमिक, स्पेसिफिकली रिगार्डिंग द वेलबींग ऑफ मेंटल हेल्थ पीपल. कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में रोशनी डाल दें जो IRC ने फोकस्ड ऑन मेंटल वेलबींग के हवाले से की हों. From the very beginning, MHPSS, like mental health psychosocial support, was a priority for IRC. क्योंकि जब हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ था विद आर एग्जिस्टिंग क्लाइंट कम्युनिटीज़, दिस वॉज द मेन थिंग विच वॉज कमिंग आउट. वन और टू, जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, देर वॉज अ लॉट ऑफ एन्जाइटी एंड स्ट्रेस अमंगस्ट देम एज वेल. ख़ास तौर पे जब अगर वो डेली बेसिस पे फील्ड में जा रहे हैं, दे आर इंटरेक्टिंग विद द पीपल, दो फॉलोइंग ऑल द प्रिकॉशंस, लेकिन एक एन्जाइटी रहती थी. फिर घर वालों की तरफ से एक एटीट्यूड कि ओके, तुम तो बाहर से आ रहे हो तो यू आर ब्रिंगिंग कोरोना वायरस इन द हाउस, तो वो घर वालों की तरफ से भी एक वो ना पुश बैक मिल रहा था. तो एक एंड पे कम्युनिटीज़ में बिकॉज ऑफ लाइक द मिस इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ सर्विसेज, और दूसरे एंड पे स्टाफ के लिए टू डील विद दिस होल सिचुएशन, तो साइको सोशल इशूज़ या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स वर कमिंग आउट. किसी एंड पे बर्न आउट निकल के आ रहा था. तो व्हाट वी स्टार्टेड विद, वी डिड अ काइंड ऑफ लाइक असेसमेंट टू आइडेंटिफाई कि किस तरह के मेंटल हेल्थ साइको सोशल इशूज़ निकल के आ रहे हैं अमंगस्ट मैन वेमेन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स, व्हाट आर द रिस्पॉन्स मैकेनिज़म्स एग्जिस्ट, कैपेसिटीज़ कितनी हैं गवर्नमेंट की, NGOs की, बाकी ह्यूमैनिटेरियन एक्टर्स की, टू डील विद दिस सिचुएशन. एंड देन बेस्ड ऑन दैट वी स्टार्टेड सर्टेन इंटरवेंशंस एट डिफरेंट लेवल्स. सबसे पहली जो स्पेशलाइज्ड सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो वी स्टार्टेड एट टू लेवल्स, कि जो कोविड की हेल्थ फैसिलिटीज़ IRC सपोर्ट कर रहा था, वहाँ पर हमने साइकोलॉजिस्ट डिप्लॉय किए, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट who could offer more direct and structured support to the COVID positive patients और जो वहाँ पर admit हुए हुए थे. और उसके साथ साथ हमने उन्हीं hospitals के अंदर कुछ recreational rooms create किए, ताकि जो doctors है, staff है या जो attendants आ रहे हैं, they can also take some time out, go into that room, do some activity, चाहे वो painting है, चाहे वो कोई game है, anything. So that was really help out and we received very positive feedback. Then we shared some videos, yoga videos, yoga mats with them. So okay, you can take 5 minutes out to do something. Ek to ye ho gaya. Dusre end pe we established MHPSS helpline service. It was a toll-free number and we started it in KP and Balochistan. सिंध में हमने इसलिए नहीं किया था कि सिंध ने ऑलरेडी यूनिसेफ और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इनिशिएट कर दिया था, तो उस टाइम पे KP और बलूचिस्तान में नहीं था. सो वी स्टार्टेड द हेल्पलाइन और बैक एंड पे हमने साइकोलॉजिस्ट को डिप्लॉय किया था, सो दे कैन ऑफर क्विक बट इफ़ेक्टिव एडवाइजेज टू द कम्युनिटी. और वो बड़ा इफ़ेक्टिव रहा, जिसमें सिर्फ मर्दों और औरतों ने कॉल करके सपोर्ट नहीं लिया, बल्कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ ने, माइनॉरिटीज़ ने, there was a lot of youth who was engaged. There was variety of people diverse. With different backgrounds were calling and taking support. शुरू में हमें थोड़ा time लगा to advertise about it, to let people know कि okay, you can call and it's very trustworthy and confidential and you can trust them, type of thing. But eventually it moved on. जो उसके बाद हमने किया कि हमने outreach services start की, like there still so many different communities or groups who cannot access telephone perhaps, or they cannot make the calls. خاص طور پہ اگر ہم بچیوں اور خواتین کی بات کریں, in many communities they don't have their phone and if they want to call someone, you really have to answer a lot of questions from your male family members. تو اس سچویشن میں پھر ہم نے آؤٹ ریچ سروسز اسٹارٹ کی. اسی طرح جو لوگ ہوم بیسڈ کیئر پہ تھے یا پھر کمیونٹی کے اندر تھے, तो उनके लिए हमने साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड इंटरवेंशन स्टार्ट की, आउटरीच की, कि जहाँ पे टीम्स आर गोइंग इनटू द फील्ड, दे आर डूइंग सम बेसिक PFA एक्टिविटीज़ विद देम, कुछ बेसिक काउंसलिंग कर रहे हैं, और जहाँ पे स्पेशलाइज सपोर्ट चाहिए देन दे कैन कनेक्ट देम विद द सर्विसेज, चाहे वो हेल्पलाइन है, चाहे वो इन पर्सन फैसिलिटेशन है. एक और एंड पे फिर हमने किया कि स्कूल्स जब स्टार्ट हुए, देयर वाज अगेन अ लॉट ऑफ एंजाइटी. एक रूमर ये भी था कि बच्चों की वजह से, बच्चे एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनकी वजह से घरों में वायरस ज़्यादा हो रहा है.
So then we started interventions within the schools, with the teachers, with the students. We distributed them with we call them PSS kits, कि उसमें कुछ games, activities थी जिसमें बच्चे अपने caregivers के साथ engage हो सकते हैं. They learn about coronavirus, about the positive coping mechanisms, activities, ताकि वो एक हेल्दी फैमिली इन्वायरमेंट प्रोड्यूस हो और बच्चों और पेरेंट्स दोनों के एंड पे वो जो स्ट्रेस लेवल है बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन स्टेइंग एट होम या चिल्ड्रन ब्रिंगिंग वायरस एट होम, वो वाला एलिमेंट उस पर कंपनसेट हो सके. एंड इट वर्क रियली वेल. इसके अलावा एक और चीज़ जो हमने बहुत रेगुलर और कंटिन्यूसली की इज़ टू कंडक्ट रेगुलर सेशंस ऑन साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड एंड MHPSS स्किल्स विद द हेल्थ वर्कर्स. वो हमने जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, लाइक जिन एरियाज़ में हम काम कर रहे थे, लाइक इट वाज सम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ KP, बलूचिस्तान, सिंध, वी कंडक्टेड 1 to 2 days ट्रेनिंग फॉर देम कि अगर आप फील्ड में जाते हो तो हाउ यू कैन ऑफर साइकोलॉजिकल सपोर्ट विच इज़ फोकस्ड बट नॉट वेरी स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट. तो एटलीस्ट इफ समथिंग इज़ एटलीस्ट देयर फॉर द कम्युनिटी कि ठीक है, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं, इफ़ देर आर साइंस ऑफ स्ट्रेस displaying by the community, so you can understand it and you can offer that support. अब LHVs और LHWs are actually visiting every home. तो उनके लिए बड़ा आसान था लोगों को वो डे टू डे टिप्स देना, गाइडेंस देना कि हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, इशूज आते हैं तो वेयर यू कैन कॉन्टैक्ट, वट आर द सर्विसज अवेलेबल टाइप ऑफ चीज. एंड इट वॉज वेरी पॉजिटिवली रिसीव्ड बाई द हेल्थ फैसिलिटी स्टाफ, जिसमें BHU और RHC का स्टाफ था, जिसमें फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ देम दे नेवर रिसीव सच काइंड ऑफ ट्रेनिंग कि हम कैसे हम कैसे अंडरस्टैंड करें स्ट्रेस को या हम कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करें. दे ऑलवेज थॉट कि ये उसी बंदे का काम है जो कि साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट है. हाँ, और उसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड टाइप की सर्विसेज चाहिएंगे जहाँ 45 मिनट बैठने हैं और बातें वातें करनी है और कुछ झटके मटके देने हैं टाइप ऑफ चीज़. तो वो मिसकॉन्सेप्शन उधर भी मौजूद थी. तो PFA इज़ अ काइंड ऑफ टेक्निक जहाँ पे आप क्विक टिप्स दे सकते हो टू हेल्प पीपल विद डील विद द स्ट्रेस, एवरीडे स्ट्रेस. तो वो काफ़ी इफेक्टिव रहा. अभी रिसेंटली वी कम्प्लीटेड ट्रेनिंग्स फॉर द हेल्थ स्टाफ इन 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बलूचिस्तान, जो कि प्योरली बेसिक हेल्थ यूनिट और रूरल हेल्थ सेंटर्स के स्टाफ के लिए था, डॉक्टर्स एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स. एंड सो इट वाज रियली हेल्पफुल. अभी वी आर डूइंग सम ट्रेनिंग्स विद डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ फॉर द टीचर्स इन KP, सो दे कैन अंडरस्टैंड, दे कैन प्रोवाइड साइकोसोशल सपोर्ट टू चिल्ड्रन. और दूसरे एंड पे जो एक और कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव रहा हमारा कि हाउ यू कैन इंश्योर योर ओन पर्सनल वेलनेस ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, लाइक जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं या जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, इट्स अ शिफ्ट इन योर रूटीन एंड योर नॉर्मल वेज ऑफ वर्किंग, इट्स अ न्यू लाइफस्टाइल. बिल्कुल. तो हाउ यू कैन डील विद ऑल दी स्ट्रेस कि जहाँ पे समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका इंटरनेट डिसकंटिन्यू हो गया, यू आर ऑन अ कॉल एंड और आप स्ट्रेस में बैठे हुए हो और कभी कभी आप फील्ड पे गए और वही वापस आए हो तो आपको 10 दिन क्वारंटीन करना है या घर वालों से नहीं मिलना, घर वाले पुशबैक करें. तो ऐसे में बहुत ज़रूरी था कि दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आपने अपनी वेलनेस और मेंटल हेल्थ को कैसे बेहतर रखना है ताकि यू कैन बेटर कोप विद इट. और अगर आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो हु आर आउट देयर हु कैन सपोर्ट यू. लाइक हो सकता है कि आई एम अ फ्रंट लाइन वर्कर एंड आई एम डीलिंग विद सो मच स्ट्रेस कि मुझे भी प्रोफेशनल हेल्प चाहिए. तो वो रेफरल सिस्टम बाहर इन प्लेस हो कि जहाँ पे हमारे पास आइडेंटिफाइड है कि वेर यू कैन गो टू सीक प्रोफेशनल सपोर्ट एंड इनक्रेज देम कि ओके गो फॉर इट. ठीक है, इट डजेंट मीन कि यू आर पागल, इट मीन्स कि हाँ यू आर हैविंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ टाइम जिसमें आपको एक सपोर्ट चाहिए. अच्छा, इन द एंड व्यूअर्स के लिए मैसेज स्पेशली रिलेटिंग टू मेंटल हेल्थ एंड जो व्यूअर्स हमारे जो मेट्रो सिटीज़ में नहीं है स्पेशली, अगर उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहें रिगार्डिंग ऑल दिस. देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि एक चीज़ के इट्स नॉर्मल कि जब आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज हो रही हैं और उसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, ये एबनॉर्मल नहीं है. इट हैपन्स और इट हैपन्स विद एवरी वन एवरी वेयर इन द वर्ल्ड. तो उसको अंडरस्टैंड करें और उसको एक्सेप्ट करें और जहाँ पे ज़रूरत है गो एंड आस्क फॉर हेल्प, चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं, चाहे वो आपके दोस्त हैं, चाहे वो आपके नियर बाय डॉक्टर्स हैं या स्पेशलिस्ट हैं. डोंट बी शाय, क्योंकि देखें आज शायद आप इस लेबल की वजह से सर्विसेज नहीं ले रहे कि लोग मुझे पागल कहेंगे, लेकिन कल को अगर आप एक वल्नरेबल सिचुएशन में आ जाओगे तो यू विल लूज़ कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. तो
अगर कोई मशवरा लेने से या मदद लेने से आपके पास अपनी लाइफ का कंट्रोल आता है तो उसमें कोई हार्म नहीं है। और बाकी अगर मेरे साथ प्रॉब्लम है और मैं किसी से मदद लेके बेहतर फील करूँगी तो इट गिव्स अ पॉजिटिव मैसेज टू अदर्स एज वेल कि भाई देखो ये प्रॉब्लम था, ट्रीट किया, ठीक हो गया। इट डजंट मीन्स कि मैं पागल हो गई ना। सो वो आपको एक रोल मॉडल के तौर पे भी शायद प्रेजेंट करेगा। तो या डोंट बी शाई, गो एंड आस्क फॉर सपोर्ट, सीक हेल्प एंड फॉलो द गुड प्रैक्टिसेस, हेल्दी रूटीन टू स्टे हेल्दी। या दैट्स इट। इसी के साथ हम अपनी एपिसोड को रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर नाइमा। इट वाज वंडरफुल इन्फॉर्मेशन जो आपने दी। आई रियली होप कि व्यूअर्स से फायदा उठा सकेंगे एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट एज़ वेल। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट। जी व्यूअर्स, आप सुन रहे थे हमारी गेस्ट नाइमा इकबाल चौहान साहिबा को। हमारी गुफ्तगू हुई COVID-19 और उसने किस तरीके से लोगों की मेंटल हेल्थ को मुतासिर किया। अगर आप डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हैं तो इस सिलसिले में ज़रूर प्रोफेशनल हेल्प हासिल कीजिए। अगर प्रोफेशनल हेल्प सर्विसेज आपसे दूर हैं तो इस बारे में अपने रिश्तेदारों या करीबी दोस्तों से ज़रूर बात कीजिए और अपनी परेशानी को मज़ीद बढ़ने से रोकिए। हम अगली एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।